एक ही देश टूटकर दो भागों में बट गया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। लेकिन दोनों में कॉमन केवल कोरिया है। उत्तर और दक्षिण का अंतर इतना बड़ा है जितना जमीन और आसमान का। वही अंतर आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, इसलिए हमारा साथ आप बीच में छोड़कर कहीं मत जाइएगा। एक देश जहां के नागरिकों को दुनिया के कई दूसरे देशों में जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, दूसरा देश जहां के लोगों को अपने देश में सरकार की परमिशन के बिना कहीं भी जाने की इजाजत नहीं है। ड्रेसिंग एंड हेयर स्टाइल। अगर आप बाल कटाने जाते हैं तो आपको अपने मनपसंद का हेयर स्टाइल रखने पर कोई रोक नहीं है। इसी तरह अगर आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो आपके मनपसंद कपड़े खरीद सकते हैं, आप उसे पहन भी सकते हैं। ये बात लगभग पूरी दुनिया पर लागू होती है, केवल नॉर्थ कोरिया को छोड़कर, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन वहां के लोगों को नॉर्थ कोरिया के कल्चर के अकॉर्डिंग ही कपड़े पहनने और हेयर स्टाइल रखने के लिए कहता है। इससे अलग अगर किसी ने कुछ पहना या फिर हेयर स्टाइल रखी तो समझ जाइए उसका हो गया यमराज से सामना। उत्तर कोरिया में किम जोंग उन ने एक फैशन पुलिस बना रखी है जो इस बात का ध्यान रखती है कि लोग वही कपड़े पहने जो नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट अलाउ करती है। ये फैशन पुलिस किसी भी ऐसे व्यक्ति को पकड़ सकती है जो नॉर्थ कोरिया का है और उसने वेस्टर्न कल्चर की ड्रेस पहनी है, खास तौर से नीली जीन्स को पहना है। तब फैशन पुलिस के लोग उसे पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद वहां के लेबर कैंप में डाल देते हैं। नॉर्थ कोरिया के लेबर कैंप में ये बताने की जरूरत नहीं है कि कैदियों का स्वागत और उनकी आगे की जिंदगी बद से बदतर होती जाती है। बात करें अगर हेयर स्टाइल की तो यहाँ के लोगों को कुल 28 तरह की ही हेयर स्टाइल रखने की परमिशन है, जिनमें से 18 तरह की हेयर स्टाइल महिलाएं रख सकती है और पुरुष केवल 10 तरह की प्री डिफाइन हेयर स्टाइल रख सकते हैं। ये विशेष ध्यान देने लायक बात यह है कि भूलकर भी कोई व्यक्ति किम जोंग उनकी हेयर स्टाइल की कॉपी नहीं कर सकता, वरना आप समझ जाओ यार। लेकिन हेयर स्टाइल के फंडे को इजाद किया था किम जोंग उनके पापा जी ने। उन्होंने अपने शासन काल में लोगों के लिए एक हेयर स्टाइल फिक्स की थी, फिर इसे लोगों को समझाने के लिए उन्होंने पूरा का पूरा टीवी प्रोग्राम ही बना डाला। जब लोगों को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई तो आज वो उसे फॉलो भी करते हैं। अब ड्रेस और हेयर स्टाइल अपनी मर्जी की आप नहीं यूज कर सकते, तो सोचिए नॉर्थ कोरिया के लोग क्या कभी क्लब जाकर पार्टियां कर सकते हैं, नाइट क्लब में मौज मस्ती कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि साउथ कोरिया में ये सारी चीजें बहुत आम है। उत्तर कोरिया में ये सारी चीजें होती है लेकिन बहुत चोरी छुपे, किसी को कानो कान भनक नहीं पड़ती और पार्टी हो जाती है। उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया में कुछ सिमिलैरिटी है। उनके यहाँ कुछ फेस्टिवल एक साथ सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे न्यू ईयर और लिब्रेशन डे। इसके अलावा उनके यहाँ भाषा कॉमन है, लेकिन इसके साथ ही सिमिलैरिटी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। जहाँ साउथ कोरिया के लोगों को अपने हिसाब से रिलीजन को फॉलो करने की आज़ादी है, वहीं उत्तर कोरिया के लोगों को किसी भी तरह का कोई रिलीजन फॉलो करने की परमिशन नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर वहां के लोग किसी रिलीजन को फॉलो करने लगे और रिलीजन के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलने लगे तो फिर सरकार की कौन सुनेगा, और किम डायनेस्टी का तो डायमेंशन ही चेंज हो जाएगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। आज के दौर में अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि इंटरनेट कैसे चलाते हैं और गूगल बाबा क्या होते हैं, तो आपको लगेगा भाई ये तो एलियन है, किसी दूसरे ग्रह से आए हुए हैं। उत्तर कोरिया में लोगों को इंटरनेट एक्सेस करने की इजाजत नहीं है। गूगल बाबा से वहां के लोग बहुत दूर हैं। वहां की सरकार नहीं चाहती कि गूगल बाबा उनके देश में अपने पैर वहां जमाए और वहां के सीक्रेट रिवील होकर पूरी दुनिया के सामने आए। जबकि साउथ कोरिया आज के दौर में इंटरनेट स्पीड जबरदस्त रखता है। यहाँ लगभग 41,469,000 करोड़ का के पॉप का बिजनेस इंटरनेट की स्पीड से दौड़ रहा है। यहाँ की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वर्ल्ड फेमस कलाकारों की कमी नहीं है और यहाँ के लोगों को वर्ल्ड क्लास मूवी देखने की फुल लिबर्टी है, लेकिन उत्तर कोरिया की बात ही निराली है। यहाँ आज भी लोगों को टीवी और फिल्मों के नाम पर किम जोंग उन का गुणगान सुनाया जाता है, किम डायनेस्टी की हिस्ट्री बताई जाती है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के लोगों को कुछ और देखने की इजाजत नहीं है। अगर कोई इस तरह का काम करता हुआ पकड़ा गया, कोई विदेशी फिल्म देखता हुआ पकड़ा गया, तो फिर समझ लीजिए उसकी तो तरीके से बैंड बज जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि उत्तर कोरिया के लोग विदेशी फिल्में नहीं देखते, साउथ कोरिया के गाने नहीं सुनते। स्मगलिंग के जरिए चोरी छुपे सब चलता है और तब तक चलता रहता है जब तक किम जोंग और उनके वफादारों के कान तक भनक नहीं पड़ती।
किम जोंग उन इस बात के लिए काफी मेहनत करते हैं कि उनके देश में कम से कम दक्षिण कोरिया की फिल्में न देखी जाए और न ही गाने सुने जाए। यहाँ पर सारे गाने भी किम जोंग उन और किम डायनेस्टी के गुणगान करने वाले लिखे जाते हैं। एजुकेशन सिस्टम, साउथ कोरिया के एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ये दुनिया का बेस्टम बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। यहाँ बच्चों की स्टडी का टाइम काफी ज्यादा है, यहाँ टीचर्स को काफी रिस्पेक्ट मिलती है और उन्हें सबसे ज्यादा पेमेंट भी मिलता है। साउथ कोरिया में स्कूल के रूल्स रेगुलेशन काफी स्ट्रिक्ट है जो बच्चों में उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्किल डेवलप करने में काफी हेल्प करते हैं। उन्हें आज के दौर में मॉडर्न साइंस के साथ साथ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दी जाती है। लेकिन जब बात करते हैं इसके पड़ोसी देश उत्तर कोरिया की, तो वहां पर 17 साल की उम्र तक हर व्यक्ति को स्कूल में पढ़ाई करना कंपलसरी है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप ये जानेंगे कि पढ़ा क्या रहे हैं तो यकीन मानिए आप अपना माथा पीट लेंगे। वहां बच्चों को बचपन से स्कूल में किम डायनेस्टी का गुणगान ही पढ़ाया जाता है। उन्हें ये सिखाया जाता है कि उन्हें सारी जिंदगी किम जोंग उनकी फैमिली की सेवा करनी है, उनकी रक्षा करनी है। पूरी किम डायनेस्टी को गॉड की तरह प्रेजेंट किया जाता है और केवल ब्लाइंड फॉलोवर्स तैयार किए जाते हैं। यहाँ के ज्यादातर बच्चे तो कॉलेज तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि कॉलेज में पढ़ने का मौका केवल वीआईपी और अमीर लोगों को ही मिलता है। एयर कनेक्टिविटी, साउथ कोरिया के लोग दुनिया के 170 देशों में बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं। साउथ कोरिया का पासपोर्ट पूरी दुनिया में तीसरे नंबर का सबसे स्ट्रांग पासपोर्ट है। साउथ कोरिया में कुल 8 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और केवल सियोल एयरपोर्ट पर ही एक साल में 5 करोड़ फॉरेनर्स आना जाना करते हैं। लेकिन उत्तर कोरिया के लोगों को अपने देश में एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। यहाँ पर केवल एक ही इंटरनेशनल हवाई अड्डा है जहाँ साल भर में मुश्किल से लगभग 6,000 विदेशियों का आना जाना होता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर, आज के दौर में कार जमीन पर दौड़ते हुए भी हवा से बातें नहीं करती बल्कि पानी पर भी चलती है, तो लहरों के साथ भी चलती है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में साउथ कोरिया दुनिया को लेड करने की पोजीशन में है। दुनिया की सबसे फेमस कार ब्रांड हुंडई और किया साउथ कोरिया में मौजूद है और यहाँ हर आदमी को अपने इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग कार को रखने, उसमें ट्रैवल करने और अपनी लाइफ में वाइफ के साथ लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन करने की लिबर्टी है। कुल मिलाकर ये जिंदगी मौज मारती है महबूबा की गोद में लेकर। अगर हम उत्तर कोरिया की बात करें तो ऐसी और इलेक्ट्रिक विंडो जैसे नॉर्मल फीचर भी वहाँ लोगों की पहुँच में साल 2018 में आ पाए। वैसे तो उत्तर कोरिया के लोगों को कार खरीदने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन इसे वहाँ लग्जरी लाइफस्टाइल से जोड़कर देखा जाता है। अगर आपके पास पैसे हैं तब भी आप तब तक कार खरीद नहीं सकते जब तक गवर्नमेंट परमिशन ना दे दे। ऐसा नहीं है कि उत्तर कोरिया में कार नहीं बनती, वहाँ पर भी कार बनाने वाली फैक्ट्री है। पेयोंगा मोटर्स वहाँ की एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है जो टैक्सी से लेकर कार तक बनाती है। लेकिन फिर भी नॉर्थ कोरिया में हर 1,000 लोगों पर केवल 11 लोगों के पास ही कार मौजूद है। ज्यादातर लोग यहाँ साइकिल से चलना पसंद करते हैं। वैसे यहाँ कार न होने का एक कारण यहाँ की गरीबी भी है। लोग ही इतने गरीब हैं कि कार को केवल वो सपनों में देखते हैं और हकीकत में अपनी साइकिल को ही कार समझते हैं। जबकि साउथ कोरिया दुनिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर में 6 नंबर पर आता है। साउथ कोरिया 1,000 लोगों पर 475 गाड़ियां बनाता है। तो भाई लोग कैसा लगा आपको ये कंपैरिजन? है ना जमीन और आसमान का अंतर। मित्रों कैसा लगा आपको उत्तर और दक्षिण कोरिया का ये कंपैरिजन? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।